बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x dx। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने का तरीका होता है, देखिए तो ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन साइन रेस टू पावर 3/2, रूट के अंदर है बेटा, और ये बनेगा कॉस रेस टू पावर 5/2 डी एक्स, 5/2 एक्स डी एक्स। और बच्चों इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है वो समझिए। जब भी साइन और कॉस इस तरह से मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, इनकी पावर्स को ऐड करते हैं। इनकी पावर्स को ऐड करने से हमारे पास 8/2 आ रहा है जो कि 4 होता है। इसको जो भी नंबर हमें ऑप्टेन होता है, इस नंबर को हम कॉस की पावर बनाते हैं, और ये जो वैल्यू ऑप्टेन होती है इससे हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, और इस डिवाइड करने के बाद हम हमेशा टेन एक्स को टी मानते हैं। फिर कोई भी नॉन इंटीग्रेबल फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो बेटा हमने ऊपर नीचे कॉस की पावर 4x से डिवाइड किया, तो ये बनेगा सेक की पावर 4x साइन की पावर 3/2 एक्स कॉस की पावर 5/2 एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x डी एक्स। अब बेटा इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ जाएगा बेटा, देखो ये 5/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4 में से 5/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/2 साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर 3/2 एक्स डी एक्स। अब बेटा इसमें हम क्या करेंगे, अब हम जैसा आपको बताया टेन एक्स को टी मानेंगे बेटा, टेन एक्स को टी माना हमने, टेन एक्स को टी माना हमने, तो ये हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3/2 डी टी। अब बेटा इसको अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन टी की पावर 3/2 अलग हो जाएगा बेटा डी टी, प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3/2 डी टी अलग हो जाएगा बेटा। अब इसको बेटा हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा टी की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। अब बेटा इसके अंदर ये पावर टी स्क्वायर है, ये ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2 में से 3/2 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास टी की पावर 4 माइनस हाफ, मतलब टी की पावर हाफ बचेगा और डी टी बचेगा। और अब हम इसको इंटीग्रेट करें, अब बेटा इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -3/2 प्लस 1, तो ये बेटा माइनस का हाफ बनेगा, तो ये ऊपर आके तो माइनस का 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो -2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और टी की पावर माइनस हाफ नीचे आके टी की पावर प्लस हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स रूट टी। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज़ 3/2, तो ये बनेगा बेटा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। और अब हम टी का वैल्यू ले आएंगे, टी हमने टेन एक्स को माना था, तो वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -2 अपॉन रूट टेन एक्स प्लस 2 अपॉन 3 टाइम्स टेन की पावर 3/2 एक्स प्लस सी। थैंक यू स्टूडेंट्स।